ना वे सपने सलामत रहेंगे, ना वे आंखें जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी। अक्षय कुमार के मेगा बजट फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को बॉक्स ऑफिस पर आज हो रहे हैं 6 दिन। फिल्म में अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज के किरदार में लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे और इसी के चलते फिल्म ने शुरुआती 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कर ली है शानदार कमाई। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट पृथ्वीराज के 6 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे फिल्म ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। हिंदुस्तान के महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान के जीवन पर बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, जिस फिल्म में अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज का किरदार प्ले कर रहे हैं, वही सहयोगिता के कैरेक्टर में देखने को मिल रही है मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर। साथ ही साथ इस फिल्म में चंद्र बरदाई के किरदार में सोनू सूद नजर आ रहे हैं तो काका कन्हा के कैरेक्टर में देखने को मिले थे संजय दत्त। बता दें दोस्तों फिल्म को पब्लिक की तरफ से काफी बढ़िया रिव्यूज मिले और अच्छे रिव्यूज के चलते फिल्म ने पहले वीकेंड यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार इन 3 दिनों में काफी बढ़िया कमाई की। लेकिन वीकेंड खत्म होने के बाद फिल्म के कलेक्शन का जो ड्रॉप है वो 50% से ज्यादा देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सम्राट पृथ्वीराज वैसे तो बॉलीवुड की फिल्म है लेकिन इस फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया था। बताना चाहूंगा दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज को दुनिया भर में लगभग 5000 स्क्रीन पर रिलीज किया था। अगर बात करें फिल्म के डे वाइज कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 10,70,00,000 रुपए का किया था। वही दूसरे दिन इस फिल्म का इंडिया से नेट कलेक्शन 12,60,00,000 रुपए का रहा। लेकिन दोस्तों तीसरे दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा जंप दिखाया और सम्राट पृथ्वीराज ने अपने तीसरे दिन यानी कि रविवार इंडिया नेट कलेक्शन किया 16,20,00,000 रुपए। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीकेंड के बाद इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफी ज्यादा डाउन हो गए थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी कि सोमवार इंडिया नेट कलेक्शन किया सिर्फ 5,00,00,000 रुपए का। वही दोस्तों फिल्म ने पांचवें दिन यानी कि मंगलवार इंडिया नेट कलेक्शन किया 4,40,00,000 रुपए का। इसी के साथ दोस्तों शुरुआती 5 दिनों में सम्राट पृथ्वीराज का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका था 48,80,00,000 रुपए। पर बात करें दोस्तों इस फिल्म के 6 दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म के जो 6 दिन की ऑक्यूपेंसी वो सेम टू सेम 5वें दिन यानी कि कल जैसी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज अपने 6 दिन फिर से इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 4,20,00,000 रुपए। इसी के साथ दोस्तों शुरुआती 6 दिनों में सम्राट पृथ्वीराज का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 53,00,00,000 रुपए का। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 68,00,00,000 रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म के ओवरसीज के अभी तक अपडेटेड कलेक्शन नहीं आए हैं लेकिन कुछ वेबसाइट के मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज ने ओवरसीज मार्केट से एस्टिमेट ग्रोस कलेक्शन किया है 15,00,00,000 रुपए। यानी कि दोस्तों अगर जोड़ा जाए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को तो सम्राट पृथ्वीराज वर्ल्ड वाइड मार्केट में टोटल ग्रोस कलेक्शन 83,00,00,000 यानी कि 83,00,00,000 का कर चुकी है। बता दो दोस्तों फिल्म का बजट काफी भारी भरकम है, उस हिसाब से 83,00,00,000 रुपए 6 दिनों में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते यानी कि 10 जून से बॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हो रही है तो दूसरे हफ्ते भी सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाएगी और इस फिल्म के कलेक्शन दूसरे हफ्ते में भी शानदार आ सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि सम्राट पृथ्वीराज का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो आखिर कहां तक जाता है। वैसे दोस्तों अगर आपने सम्राट पृथ्वीराज फिल्म देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, हिट या फ्लॉप, कमेंट करके जरूर बताएं। और सम्राट पृथ्वीराज के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।